दोस्तों आज हम लोग जो है एक अंडर वैल्यू कॉइन की माइनिंग करेंगे। अंडर वैल्यू कॉइन की माइनिंग करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइन कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ माइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप ऐसे कॉइन्स को जो है सोलो माइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सोलो माइनिंग करने पर फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, उसमें बहुत सारे टोकन जो आपको फ्री मिल जाते हैं। तीसरा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि ऐसे टोकन्स की जो वैल्यू है वो 400-500 गुना तक बढ़ जाती है। जब मैंने वीरस कॉइन की माइनिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त उसकी जो वैल्यू थी $0.04 थी, ठीक है, और इसकी प्राइस $3 तक गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यू जो है वो इसकी कितनी बड़ी थी। तो इसी तरह का एक टोकन है जिसका नाम है नरवा कॉइन है, जिसे हम CPU से माइन कर सकते हैं। अपना लैपटॉप या CPU जो भी हमारे पास है उसे हम इजीली माइन कर सकते हैं इस कॉइन को, ठीक है, और ये हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर डाउनलोड के टैब में जाना है। डाउनलोड के टैब में जाने के बाद यहाँ पर विंडोज 64-bit के लिए यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर दिए हुए, एक कमांड लाइन और एक जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमने जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड करना है। अच्छा, डाउनलोड करने से पहले आपने एक काम करना है कि आपने अपने जो PC है उसमें आपने एंटीवायरस को डिसेबल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर Avast एंटीवायरस इंस्टॉल किया तो मैंने उसे डिसेबल कर दिया। या आपके पास कोई भी एंटीवायरस है या विंडो डिफेंडर तो उसे आपने डिसेबल कर देना है, वरना ये इसे डाउनलोड नहीं होने देगा, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोडिंग जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसे जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऑलरेडी जो इसको डाउनलोड किया वहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड किया और जैसे इसे मैं ओपन करता हूँ उसके बाद मैंने इन सारी फाइल्स को डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो किसी और भी फोल्डर के अंदर इसे रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम सीधा चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। अच्छा, ये हम सीधा आ गए डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर देखें कि ये फोल्डर मेरे पास है, इसे मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स शो हो रही होंगी आपको। अच्छा, सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर नरवा डॉग डेस्कटॉप के नाम से एक फाइल होगी, इसे हमने जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, अच्छा, इसमें यह है कि एक दफ़ा शुरू मैंने इसकी सिंक्रोनाइजेशन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया यहाँ पर, तो कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है थोड़ा सा टाइम ले जाती है, ठीक है। तो इसमें 6 से 8 घंटे या मे बी इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। आपने क्या करना है कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन होने देनी है। जैसे अभी ये देखें कि यहाँ पर हमारे कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली ये ब्लॉकचेन की सिंक्रोनाइजेशन होती है, तो ये एक दफ़ा होगी, उसके बाद आपको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक बार इसकी सिंक्रोनाइजेशन होगी, वरना उसके बगैर माइनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने एक बार इस सॉफ्टवेयर को चला के छोड़ देना है और नेट भी जो आपका चलना चाहिए। तो जैसे ये सिंक्रोनाइजेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगी 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, उसके बाद हम जो है यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, तकरीबन 23,40,000 के राउंड अबाउट। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास 19,71,000 के राउंड अबाउट ये जो है कंप्लीट हो चुकी है सिंक्रोनाइजेशन ऑलमोस्ट 80%, ठीक है। जैसे ही 100% सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद जो हम यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक काम आपने और कर लेना, जब तक ये सिंक्रोनाइजेशन हो हमने यहाँ पर वैलिड क्रिएट करना है, ठीक है। वैलिड के बगैर हम माइनिंग नहीं कर सकते। वैलिड हम बनाएंगे तो उसी वैलिड के अंदर जो हमारे फंड्स जो टोकन्स है वो ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैलिड का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। वैलिड पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे वैलिड का नाम पूछेगा। वैलिड का नाम आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से रैंडम सा नाम दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड भी कोई सा भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो वैलिड है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। तो ये देखें, वैलिड क्रिएशन कंप्लीट, ठीक है। वुड यू लाइक टू यूज़ दिस एज द माइनिंग एड्रेस। अब यहाँ पर ना आप जितने मर्जी इस तरीके के वैलिड चाहें बना सकते हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम आपका कोई भी वैलिड नहीं बना होगा तो आपने यहाँ पर वैलिड बना लेना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आप इस वैलिड एड्रेस को जो है माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर येस कर देना है, ठीक है। अगर तो अगर आप नो करेंगे तो आपको फिर मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसे यस कर देना, तो ये वैलिड ऑटोमेटिकली माइनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी माइनिंग कॉइन की करेंगे वो इस एड्रेस पर जो टोकन हैं आपके वो सेंड होंगे। तो यहाँ से आप अपने वैलिड देख भी सकते हैं। ओपन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें कि मैंने 3 वैलिड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कभी हमने इस वैलिड को हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो हम उस वैलिड का पासवर्ड लगाएंगे तो ये वैलिड हमारा जो है फिर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी ओपन पे क्लिक किया, उसके बाद इस वैलिड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने वो पासवर्ड दिया, तो मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो ये जो वैलिड है हमारा वो ओपन हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे।
तो यहाँ पर जो है बैलेंस के अंदर जो है आपका वैलेट वो शो होगा, ठीक है। वैलेट आपने सबसे पहले यहाँ पर ओपन करना है, वैलेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसका पासवर्ड देना है, ठीक है। ओके पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका वैलेट है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पर इस वैलेट को ओपन करें तो हम इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशंस को भी देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है, इसे हमने माइनिंग के लिए सेलेक्ट किया था, इसलिए इसके साथ प्राइमरी अकाउंट लिखवा रहा है। ये आपका वैलिड एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट वैलिड एड्रेस है जिस पर नरवा टोकन आपका सेंड होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे के सारे फंड्स पड़े होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे कॉपी वगैरह करना चाहें, ये आपका मेन एड्रेस है, यानी कि इस एड्रेस पर आपकी जितनी भी माइनिंग होगी वो इस एड्रेस पर माइनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह की हिस्ट्री होगी, तो अभी ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को इसकी माइनिंग स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी अगर मैं इसकी माइनिंग स्टार्ट करूँगा तो ये देखें कि ये एरर आ रहा है, देख रहे हैं, ये कह रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे माइनिंग एड्रेस, माइनिंग एड्रेस हमने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि थ्रेड्स यहाँ पर लिखे, जब हम माइनिंग करेंगे तो ये हम अपनी मर्जी से यहाँ पर थ्रेड सेट कर सकते हैं। जो आजकल नॉर्मल लैपटॉप्स हैं उसके अंदर चार थ्रेड होते हैं, मतलब दो कोर्स हैं तो चार थ्रेड होंगे, चार कोर्स हैं तो आठ थ्रेड्स होंगे, ठीक है। ये हमेशा इवन नंबर में होंगे, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप देखना, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक न्यू वैलिड क्रिएट करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये जो है आप एड्रेस माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने जो है उसे यस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप यहां से माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहां पर मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, जैसे ही हमारी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी माइनिंग करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंक्रोनाइजेशन ओके, स्टेटस ओके, ठीक है। और यहाँ पर हमने अकाउंट सिलेक्टेड है हमारा, अब हम जो है यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। हमने सिंपल जो है यहाँ पर स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज शो हो जाएगा, ये देखिए माइनिंग स्टार्टेड, यहाँ पर हमारी माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना हैश रेट देख सकते हैं कि आपका सीपीयू जो है वो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर हैश रेट आएगी, उतने ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो आप माइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्लॉक टाइम शो हो रहा है, क्योंकि हम जो है सोलो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम एक ब्लॉक हमें इस हैश रेट पर हम कितनी देर के अंदर एक ब्लॉक फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस हैश रेट पर जो है हमें तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, तो जब हम ब्लॉक रिवॉर्ड फाइंड कर लेंगे तो हमें 0.3 नरवा टोकन जो है वो हमें रिवॉर्ड के तौर पर भी मिलेंगे। तो जितना हैश रेट आपका ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा ब्लॉक आप फाइंड कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस शो हो रहा है कि जिस एड्रेस पर ये माइन हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास थ्रेड शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा अपने सीपीयू के थ्रेड्स यूज़ करेंगे उतना ही हैश रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो मैक्सिमम मेरे पास 4 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 थ्रेड्स सेलेक्ट करने के बाद सेट पे क्लिक करूँगा, तो मैं अब 4 थ्रेड्स के साथ माइनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये हैश रेट है वो जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है मेरा यहाँ पर हैश रेट इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माइनिंग करेंगे और जो भी हमारा बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर हमारे पास बैलेंस के अंदर यहाँ पर हमारा मेन अकाउंट है, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमने कितने माइन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ी देर के अंदर ही जो है यहाँ पर बैलेंस शो होने लग गया है। तो ये देखें, हम जितने भी माइन करेंगे या जितना भी ब्लॉक हम फाइंड करेंगे वो इजीली हमारे पास यहाँ पर शो होते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर बहुत ही आसानी से माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हमने इसकी अब देखिए, यहाँ जैसे मैंने अपना हैश रेट बढ़ाया तो मेरा ये ब्लॉक टाइम जो है कम हो गया, यानी हर 1 घंटे के बाद मैं ब्लॉक फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब हम इसे स्टॉप माइनिंग करेंगे या इसे दोबारा हम ओपन करेंगे इसे क्लोज करने के बाद, तो सबसे पहले आपने अपना वैलिड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, मैंने इसे क्लोज किया, अब दोबारा से मैं यहाँ पर नरवा के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वैलिड अपना सेलेक्ट करना होता है। मैंने वैसे पहले भी आपको बताया कि ओपन कैसे करना है, तो हमने जब क्लोज करना है तो हमें पहले वैलिड सेलेक्ट करना पड़ेगा। वैलिड सेलेक्ट करना वैसे ही बहुत आसान सा है,
यहाँ पर हमने वैलेट पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। वैलेट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैलेट ऑफलाइन लिखा हुआ है, तो जब तक वैलेट ऑनलाइन हम नहीं करेंगे तो हमारी माइनिंग जो है वो नहीं होगी। तो हमने यहाँ से अपना वैलेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो जैसे ही ओके पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वैलेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट 1 बैलेंस 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जो भी हम वैलेट सेलेक्ट करने के बाद जब हम माइनिंग करेंगे तो हमारे जो फंड्स हैं वो वहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक किया तो ये दोबारा से जो है माइनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसका जो है थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी चल रही है। यहाँ पर देखें कि कॉइन मार्केट कैप पर मैंने जो है इसकी स्टैटिस्टिक्स ओपन किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अंडर वैल्यू कॉइन है, ठीक है। 0.0065 डॉलर एक नरवा कॉइन की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आज से 6 महीने बाद, या क्योंकि देखें हम जो है बड़े जो टोकन है उनकी हम माइनिंग नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ उसमें प्रॉफिट नहीं। यहाँ पर अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल सीपीयू है, अगर हम उसे माइनिंग कर लें और अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, $1 पर चली जाए, तो हम बहुत अच्छी यहाँ से जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 1 महीने में ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है कि 1-1.5 साल में जाए, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि इस तरीके से हम छोटे अंडर वैल्यू कॉइन्स की माइनिंग कर सकते हैं क्योंकि वो उनको माइन करना ईजी है और हमें जो है यहाँ पर ब्लॉक रिवॉर्ड भी हमें यहाँ पर मिलता रहता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मेरा बैलेंस शो हो रहा है जो पहले हम माइन किया अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर हम अपने हैश रेट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने इसको चला के छोड़ देना है तो उसके बाद आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।